बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा की धरती से। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बड़े हैरत की बात है कि ये जो क्षेत्र है ये पावर हब है पॉलिटिक्स का। एक और हब भी है, बीएसपी भी यहां पर है, पर इस पावर हब पॉलिटिक्स के इस पावर हब में पेयजल जैसी गंभीर समस्या बनी हुई है। साथ ही यहां से अगर 100 मीटर पर चले जाएं तो एक चाय वाले को नाम रखना पड़ता है, बेरोजगार चाय वाला। इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। अवधेश गौतम साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। भोजराज सिन्हा साहब बीजेपी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष भी आप हैं। इसके अलावा उमाशंकर राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगी कांग्रेस की तरफ से, और बेहद खास मेहमान, उनका तारुफ इस बात से भी मैं करवा दूं, हमारे साथ पंडित विनोद चौबे जुड़े हुए हैं। वो ना सिर्फ समाज सेवी हैं बल्कि राजनीति के और बाकी भी, जिसे आप काल गणना कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं, गुणा गणित कहते हैं, उसके भी वो जानकार हैं। चर्चा को शुरू करेंगे और सबसे पहले सवाल कांग्रेस से हमारा रहेगा। बड़ी चुनौतियां लगातार आपके लिए बनी हुई हैं और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती। 15 साल भाजपा के शासन के बाद 5 साल भूपेश बघेल में कांग्रेस की सरकार बनी और 15 साल में उन्होंने कोई रोजगार नहीं किया। ठीक ठीक ठीक, बोलिए आप, बोलिए। हेलो, 15 साल भाजपा के कुशासन के बाद 5 साल भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार बनी और बेरोजगारों को, जो बेरोजगार हैं, 15 साल तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस 5 साल में हमने बेरोजगारी भत्ता का, जो हमने वादा किया था बेरोजगारों को, बेरोजगारी भत्ता हमने देने का काम किया है और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल भी पूछेंगे। लगातार भोजराज सिन्हा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भोजराज सिन्हा साहब, सवाल एक आपसे, सवाल भोजराज सिन्हा साहब से, आप भी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, महती जिम्मेदारी भी आप पर है, नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पर रहने के बावजूद इस बाजार में व्यस्ततम ट्रैफिक डेवलपमेंट, इसको लेकर क्या कुछ बतौर नेता प्रतिपक्ष आपने किया? देखिए, ये नगर पालिक निगम भिलाई अपने वैशाली नगर विधानसभा अपने आप में विकास के नाम पे, अगर यहाँ कोई विकास का एक ईटा भी रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। और रही बात बेरोजगारी भत्ते की, सामने वाले भाई बता रहे हैं जो कांकेर जगदलपुर से आए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के महापौर कहाँ गए, वो आकर के बताए यहाँ क्या किए। क्या भिलाई का कोई ऐसा नेता नहीं है जो आके बैठ के बता सके? कांग्रेस का कोई एक भिलाई का नेता नहीं है जो आके यहाँ डिबेट कर सके? आया वहां पर ये बताओ डिबेट करके। थोड़ी सी काल गणना, हम आप अतिथियों का सम्मान करते हैं। पंडित जी के पास आपको लिए चलेंगे। पंडित जी से सबसे पहले जाने यहाँ का, क्या कुछ सितारे कह रहे हैं इस बार राजनेताओं के? जी प्लीज सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सभी आप, के काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप सभी को जय श्री राम। सबसे पहले और सितारे, वास्तविक में 9 अप्रैल 2023 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और यदि इसी प्रकार की स्थितियां बनी रही तो सरकार की वापसी हो सकती है, किंतु भूपेश बघेल नहीं, इसलिए भूपेश, हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, भूपेश बघेल जी के जन्म कुंडली में पंचम स्थान में शनि कारकत्व लिए बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता में कमी भी नहीं आई है, लेकिन सरकार भाजपा की आ रही है यह ज्योतिष गणना बता रहा है। चलिए चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। ये सवाल, सवाल, ये ज्योतिषी जो गणना कर रहे हैं, सवाल लेंगे, सवाल लेंगे। चलिए, मैं ये चार पूछना चाहता हूँ पंडित जी से कि आपको भाजपा की तरफ से कितने का पैकेज मिला है कि आप कांग्रेस को दिखा रहे हैं? पहली बात तो डिबेट कोई में सवाल, मेरे सामने दोस्ती को नहीं बुलाना चाहिए। कोई सवाल, 15 साल से इनके विधायक रहे हैं, लेकिन 15 लोग बता दें कि उनको 15 लोगों ने देखा होगा वैशाली नगर में, ये स्थिति रही है? आपके नेता नहीं रहते मौजूद, प्लीज। इस पूरे, मैं सम्मानी जी का मैं सम्मान करता हूँ, ये 2 साल के अंदर ये खाली बता दें इनका महापौर कब दिखा यहाँ पे, ये खाली अपना महापौर बता दें।
कम पड़े हैं। सवाल लिया जाएगा, सवाल लिया जाएगा, सवाल लिया जाएगा। अपने महापौर की फोटो दिखा दे। 20 साल के कार्यकाल में 15 साल से भाजपा के विधायक है यहाँ, 10 साल लगातार पूरे 5 साल में आपका विधायक क्या किया, आपका विधायक क्या किया, आपके विधायक लगातार कांग्रेस पार्टी सेंटर खुला है, उसका बार खुला है, इस बार सेंटर खुला है यहाँ पे महादेव वाणी का व्यापार हुआ। आप क्या जानते हैं बात कर रहे हैं कांग्रेस योगी कांग्रेस के पास हम आपको लिए चलेंगे। जोगी कांग्रेस का जोगी कांग्रेस क्यों मौका दिया जाए, आंकड़े लेकर आए आप। देखिए बेरोजगारी भत्ता देना कोई युवाओं के साथ न्याय संगत नहीं है। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, यदि रोजगार चाहिए स्थानीय सरकार जहां जहां पे स्थानीय सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में देख लीजिए आप, कर्नाटक में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए और तेलंगाना में देख लीजिए, वहां का विकास और युवाओं के साथ रोजगार का जो अवसर जो दिया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहां पे भी मौका दिया गया था, शुरुआत में 3 साल योगी जी की सरकार बनी और 3 साल में उन्होंने जितना डेवलप किया है वो सराहनीय है। बिल्कुल, उन्होंने जोगरी डबरा वगैरह जो भी इन्होंने फसल चक्र के बारे में बनाया है और रोजगार के अवसर दिए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाओं का डेवलप किए हैं जो ताकि आप विकास का मॉडल कह सकते हैं। टू द पॉइंट बात, धान खरीदी का भी उन्होंने ही लागू किया है। सवाल किससे आपका? मेरा सवाल पंडित जी से है, थोड़ा सा भाइयों। हाँ बोलिए। पंडित जी ने अभी बोला कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते दिख रही है। अरे कोरोना काल 5 साल में है, हमको सिर्फ 2 साल कोरोना काल में चले गए, 3 साल का मौका मिला है और 3 साल का ही मौका मिला है, 3 साल में इतने काम कर दिए हैं कि इस बार 75 पार करके दिखाएंगे हम। ये बड़ी बातें नहीं कर रहे, 75 पार का दावा किया जा रहा है। टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं 65 हो जाए बहुत है। टीएस सिंहदेव बाबा की अपनी एक सोच है लेकिन जमीनी कार्यकर्ता मैं इस बार ये जो गदा चौक देख रहे हैं आप, ये जो गदा चलिए प्लीज 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 हंगामा नहीं प्लीज। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले ये आपका ही सवाल नहीं जा पाएगा, आपका ही सवाल नहीं उठ पाएगा। ये जो गदा चौक दिख रहा है, मैं यहाँ का पार्षद था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक के नाम पे था, तो ये गदा चौक का निर्माण हमने करवाया। आप बोल रहे हैं एक ईंट नहीं लगाए यहाँ पे, आज इसको गदा चौक के माना जाता है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। ठीक, एक और सवाल लेंगे। जी जी बोलिए। मैं आरपीआई की पार्टी से, बाबा अंबेडकर की पार्टी से यहाँ वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि ना यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया है ना बीजेपी ने काम किया है, वैशाली नगर का स्तर एकदम गिरा हुआ है, अगल बगल की जो विधानसभा है वह काम हुआ है, इसीलिए मैं आरपीआई का उम्मीदवार बनकर यहाँ वैशाली नगर चुनाव लड़ रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिपब्लिक पार्टी को आगे मंच में नहीं बुलाया गया, क्यों? मेरा सवाल है। प्लीज बैठ जाइए। पंडित जी के पास एक बार फिर चलेंगे, चौबे साहब क्या मुद्दे हैं आपकी नजर में? प्लीज आप पंडित जी से मुद्दे पूछिए। देखिए मुद्दे जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण, और पूरे प्रदेश की यदि बात की जाए तो धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक दलित प्लीज कैमरा चल रहा है। आप सभी से प्लीज चलिए प्लीज पीछे तो घुमाइए, आपस में लड़ रहे हैं, कैमरा तो घुमाइए आपस में। चलिए
कहीं ना कहीं शोर सबसे आसान चीज होती है आपके सवाल को गायब करने का। प्लीज। मैं जेपी घनघोर जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ, मैं शिक्षा जगत से कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज जो आत्मा ने स्कूल खोला गया है उसमें जो यहाँ के बड़े बड़े स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, आपने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट करें। और इसी का भाग भी बोलता हूँ कि निजी स्कूलों में आरटी के तहत जो 25% बच्चे जो भर्ती हो रहे हैं उसको 2018 के पहले पाठ्य पुस्तक व गणवेश की राशि बराबर मिलती थी, अब ये 2018 के बाद से अभी 21-22-23 की किताबें और उनके पाठ्य सामग्री गणवेश की राशि एक सवाल, और दूसरा आत्मानंद स्कूलों में गरीबों के बच्चे क्या वाकई पढ़ रहे हैं? प्लीज, आपका क्वेश्चन है आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद जो स्कूल बने हैं वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार की सोच है कि आत्मानंद स्कूलों में जो गरीबों के बच्चे हैं वो भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं, पहली से कॉलेज तक पूरी पढ़ाई निःशुल्क हो रही है। अगला सवाल इधर आ जाएगा जी। सवाल किससे आपका? सवाल मेरा कांग्रेस से है। सबसे पहले तो न्यूज 18 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूँ वैशाली नगर विधानसभा में। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने बोला कि बेरोजगारी का क्या हुआ, रोजगार का मुद्दा था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 5 साल से यहाँ पे है, 5 साल में उन्होंने केवल युवाओं को गोबर चुनने और मिलने का काम करवाया और उसने भी बाद में 296 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया जी। रोजगार को लेकर सवाल, देखिए पहली बार कोई भूपेश बघेल की सरकार ने रोजगार के लिए कदम उठाया, बेरोजगारों को 2500 रुपए मिल रहा है जिनका फॉर्म फिलअप हो रहा है, और रमन सरकार में 15 साल में एक आदमी को भी रोजगार भत्ता नहीं मिला है। रमन सरकार में जितनी बेरोजगारी थी कभी नहीं देखी गई, पहली बार है भूपेश बघेल ने ये भाई उनके आप अपने ही नेता को नहीं सुनेंगे। वादा किया था 15-15 लाख रुपए लोगों के घर पे आएंगे, उन्होंने क्या किया, बाद में कहा कि वो तो जुड़ना था। चलिए आपका सवाल, किससे सवाल है? मैं माननीय पंडित जी से एक सवाल चाहता हूँ। आपने डिक्लेयर रखा कि भाजपा की सरकार आ रही है, उन्होंने गणना की, डिक्लेयर गणना की है, वो मोदी जी ने जो हमारे लिए गणना की थी 15 लाख, वो कब आएंगे ये जानकारी दे दीजिए। नहीं नहीं आप बताइए, आप भविष्यवक्ता हैं, आप भविष्यवक्ता हैं चौबे जी, आप बताइए वो 15 लाख हमारे पास में कब आएगा। चलिए और कोई सवाल जी, सवाल लेंगे, किससे सवाल? हमारे पास तो दूल्हा है, भाजपा के पास दूल्हा कौन है ये बता दीजिए। हमारे पास दूल्हा बघेल है, भाजपा के पास दूल्हा कौन है? भाजपा का नेता कौन? आइए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में दूल्हा है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको तय करेगी वो हमारा दूल्हा होगा, वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। इस प्रकार का मुख्यमंत्री नहीं होगा जो ये खाली इतना बोल दे, संगठन के प्रभारी बता दे कि भूपेश बघेल अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो संगठन बता दे, हमारा प्रभारी बता दे कि इनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। चलिए प्रभारी बता दे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अरे भाई गीदड़ की तरह मत झगड़ो, मेरी पहले बात तो सुनो। एक सवाल गौतम साहब आपके लिए सवाल है, चलिए गौतम साहब सवाल आपके लिए, सवाल बोलिए। हेलो सर, कांग्रेस पार्टी से मेरा एक सवाल है। हेलो सर सुनिए, कांग्रेस पार्टी से मेरा एक सवाल है। आपके माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोले थे दारू बंद होगी, साले आप देख ली छेड़छाड़ होती है। शराब बंदी सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक सामने शराब की दुकान। गौतम साहब शराब बंदी सबसे बड़ा मुद्दा और ठीक सामने शराब की दुकान। देखिए पीछे जाइए, देखिए पीछे जाइए, प्लीज बी डिसिप्लिन, प्लीज। शराबबंदी का हमारे घोषणा पत्र में था, ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारी दुकानें बंद की। गंगा जल कम पड़ गया था, गंगा जल की ओरिजिनल गंगा जल नहीं था, ओरिजिनल गंगा जल नहीं था, गंगा जल ओरिजिनल नहीं था, बताइए।
हमने कहा था कि शराब दुकानें बंद होगी, लेकिन यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति है, हमने एक कमेटी बनाई, जहाँ जहाँ दारू बंद हुई थी गुजरात भेजे, बिहार भेजे, वहाँ का जो हाल देखा लोगों ने, जहरीली शराब पीकर जो मर रहे लोग, और हमारा वही जहरीली शराब यहाँ लेकर आए हैं, और इसमें एक बस्तर संभाग है जहाँ ट्राइबलों की संस्कृति में है दारू पीना, बच्चे की छठी होती तब से मैंने एक उनका ये इनका जवाब दारूबंदी पे सुन लीजिए, वैशाली नगर की प्रमुख जनता सुन लीजिए, सामने दो दो दारू भट्टी चल रही है, सामने दो दो दारू भट्टी चल रही है, इनका संस्कार है, ये इनका संस्कार है, एक सवाल, मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर क्या दिक्कत है? हमारी किसी भी प्रकार की घोषणा, हमारे मध्य प्रदेश में शराबबंदी की घोषणा नहीं की गई थी। उमा भारती क्यों आती है बार बार? बिल्कुल भी हमारी किसी भी प्रकार की शराबबंदी की घोषणा, उमा भारती शराब की दुकान पर पत्थर मार रही है। यहाँ की सरकार अपने पार्टी का संस्कार बना करके पूरे छत्तीसगढ़ में दारू पिलाने की बात करी, जिस प्रकार से भाई साहब बोल रहे हैं, चलिए सवाल लिया जाएगा, सवाल लिया जाएगा, सवाल लिया जाएगा, आप बस्तर से पूरे पूरे छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं, अभी आप अपना संस्कार दिखा रहे हैं, आपने अभी कहा, भैया ने बोला कि कोई पदाधिकारी आगे बताए, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेगा, कार्यकर्ता बोल रहा है, जनता बोल रही है, हाँ बोला ठीक है बोलते, हमें पार्टी के प्रवक्ता बन के आए, परंपरा बता रहे हो आप, माइक का इस्तेमाल ना करें, नो नो नो, अगर इस तरह से सवाल होंगे मैं आदिवासियों को दारू बांध बोल रहे हो, पीछे रहिए, पहले आदिवासियों को दारू बांध बोल रहे हैं, वहां की महिलाएं कैसे रह रही है? एक बार मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील कर दें, प्लीज, आपकी अपनी बात नहीं सुन पाएंगे, प्लीज। मैं भोजराज भोजो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज हम लोग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में काम कर रहे हैं और अपने अपने पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, किसी को भी अगर मेरा निवेदन आप सभी से, सभी भाइयों से, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सभी से मेरा एक निवेदन है, आज भिलाई में पहली बार 18 न्यूज ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मैं 18 न्यूज के पूरे वैशाली नगर की ओर से धन्यवाद देता हूं, ऐसा डिबेट ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, हम सौहार्द दिखाएं और वैशाली नगर और भिलाई पर चर्चा करें, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सवाल सवाल किसके तरफ से, एक सवाल पीछे से लिया जाएगा, एक सवाल पीछे से लिया जाएगा जी, इनका इतना तारीफ करे तो अपने कार्यकर्ता को बोले थोड़ा खामोश रहे फिर तो बात समझ में आएगी, बस भाई यही सवाल था, यही दरअसल इनकी अपील थी, शांत रहने की अपील, कोई सवाल नहीं आपके पास, सवाल वहीं से बोलिए, नहीं नहीं भैया, सवाल ये था, घोषणा पत्र में दारू बंद करने की बात हुई थी, तो घोषणा पत्र करने से पहले ये पहले छत्तीसगढ़ का मालूम नहीं था क्या कि ये दारू यहाँ पे हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दारू जरूरत है करके? ऐलान से पहले, घोषणा पत्र बनाने से पहले 2018 का क्या आपको नहीं पता था कि शराब संस्कृति का हिस्सा है बस्तर के इलाकों में? एक कुछ हिस्से में, जो बस्तर के इलाका के बारे में मैंने कहा, बस्तर इलाके के बारे में मैंने कहा कि वहाँ संस्कृति रीति रिवाज है और वहाँ की ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, यदि आप अपने क्षेत्र में दारू दुकानें बंद करना चाहते हैं ग्राम सभा में पारित कर दीजिए, दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ग्राम सभा के अधिकार की बात आपने की, उस ग्राम सभा को पावरलेस भी कर दिया, क्षेत्र में अनुसूचित ग्राम सभा के पावर आपके पास है सर, अनुसूचित जांच लगी है, पहले तो भाई साहब बोलते 15 साल हमारे विधायक थे, इनको खुद की याददाश्त कमजोर, हमारे विधायक 10 साल थे पिछले, इसका जानकारी दें, दूसरी बात यह है कि शराबबंदी ये बता रहे हमारा संस्कार है, जब संस्कार तो संस्कार खत्म करने के बाद क्यों किया इन्होंने गंगा जल लेके कि हम शराबबंदी करेंगे करके, शराबबंदी बहुत शॉर्ट में प्लीज, शराबबंदी होनी चाहिए लेकिन जनता की सहमति से बंद होगा, ना कि बिहार और गुजरात का हाल होगा, ना कि बिहार और गुजरात का हाल होगा, शराबबंदी होगा सहमति से होगा, 2000 करोड़ का घोटाला होगा उसके बाद होगा, ठीक ठीक, एक सवाल किससे सवाल है? मेरे से, बस मेरे से, कांग्रेस पार्टी से, सर घोषणा पत्र में तो ये नहीं लिखा था कि शराबबंदी पब्लिक से होगी करके, इस सवाल के जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज, सर शराबबंदी की जो बातें की जा रही है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद वहाँ पे शराब पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन घर घर में शराब मिलता है वहाँ पे, आप इस सच्चाई को रोक नहीं सकते, यदि यहाँ पे शराबबंदी की बात की कांग्रेस ने और शराबबंदी बंद नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं दोनों मिली भगत है, एक तो बंद करने के, संपूर्ण बंद करने की बात करती है और एक बंद करने की बात कहकर उसको जुटलाती है, दोनों पार्टियों का, एक सवाल आपकी तरफ से, आगे आ जाइए, नहीं प्लीज,
15 साल से रमन सरकार दारू पिला पिला के नजरी कर दी, अब 5 साल की बात करते तो 3 ही साल तो हुआ है। जवाब लेंगे, जवाब लेंगे, जवाब लेंगे, प्लीज सिन्हा साहब। सम्माननीय, मैं एक साल इतना पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति, जिस भैया ने प्रश्न पूछा है, उनके पास की 25 साल 30 साल पुरानी दारू भट्टी हटाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने हटाई है। और इस चौक में दो दो दारू भट्टी किसने की है? इनके अपने नेताओं ने के सामने दो दो दारू भट्टी है। ठीक ठीक, उनके घर के सामने की 15 साल की चौबे साहब, चौबे साहब का कमेंट लेंगे, आ रहा हूँ। सबसे चौबे साहब, सबसे प्लीज, सबसे बड़ी बात यह है, आप बैठ जाइए, कि शराबबंदी, शराबबंदी जो है होना ही चाहिए, यह सामाजिक सबसे बड़ी बुराई है। और आप जहाँ डिबेट करा रहे हैं, यहाँ दो दो शराब दुकानें हैं। दूसरा चीज, गरुआ जो इनकी योजना थी, गौ गाय के संरक्षण के लिए जो इन्होंने गोठान का योजना इन्होंने लाया था, वो उस योजना की सराहना, ललित जी, उस योजना की सराहना सबसे पहले, सुनो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने किया था। लेकिन उस योजना की उस योजना में यह सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। और गौ संरक्षण जो है, एक मिनट भाई, हमारा पूरा होने दीजिए, हमारा पूरा होने दीजिए, हमारा पूरा होने दीजिए। और उस गौ गाय के चलते इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कों पर बैठी रहती है गाय। ठीक ठीक, एक सवाल लेंगे सर, शॉर्ट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो शराब दुकान खुली है दो, उसके बार बार इसी मुद्दे पर बात हो रही, प्लीज एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं भाई, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। मैं, मेरा प्रश्न कांग्रेस से है, अभी अभी मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है महादेव ऐप कांड का, उसमें आप क्या, महादेव ऐप सबसे बड़ी अच्छी बात, आरोप लगाना चुनाव के समय आप सुन लीजिए, महादेव ऐप पर जवाब आ रहा है, ये इलेक्शन है, चुनाव है, हम भी आरोप लगा सकते हैं किसी भी ऊपर कि इन्होंने इतना पैसा खाया, ये फर्जी आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं है, किसी का कहने से आरोप बनाया। दुबई से एक आदमी, और शुरुआत में मैंने जैसे जिक्र किया था कि चंदूलाल चंद्राकर की स्वप्न दृष्टा की जमीन पर मैं हूँ, मैंने शुरुआत में ही आप सभी से निवेदन किया था, कि आप करेंगे तो सवालों के सिलसिले खत्म हो जाएंगे। मेरे पास अपने वक्त की सीमाएं, मैंने सभी के सवाल लिए। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है कि मुसलमानों को हर बार फुटबॉल क्यों बनाया जाता है? चलिए चलिए, इसी शोर के साथ बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का यहाँ पहुँचने के लिए।